Good morning, dear students. Today we will study the new words of the lesson 6. This is the wind and the sun. Here the new words are, first new word is road. Road ka matlab hota sarak. Second, coat. Coat matlab coat, jacket, you can say. Third is quickly. Quickly ka matlab hota jhatpat, teji se ya jaldbazi mein. Stronger ka matlab hota mazboot. चिक्स का मतलब होता है गाल, वॉन का मतलब होता है जीता हुआ। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन का टॉपिक है रीडिंग इज फन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, कि हवा ने क्या आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया। द आंसर इज द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो हवा ने अपनी गति को बढ़ाया, अपनी तेजी बढ़ाया और बहुत जोर से बहने लगा उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, अब सन ने क्या किया उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए। द आंसर इज द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो सन भी जो है सूरज, वो बहुत तेजी से चमकने लगा, उसकी अपनी धूप को तेज करने लगा उस आदमी की कोट को उतरवाने के लिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉन इन द एंड, अंत में किसकी जीत होती है, अंत में कौन जीतता है। द आंसर इज द सन वॉन इन द एंड, अंत में सूरज जीत जाता है क्योंकि वो अपनी गर्मी बढ़ा देता है और अब उस आदमी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपना कोट उतार देता है, इस तरह से सूरज जीत जाता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हु सेड दिस टू होम, ये जो सारे सेंटेंस दिए हुए आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस किसने किससे कहा है। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, पहला सेंटेंस है कि मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी से या फिर तेजी से उस आदमी का कोट उतरवा सकता हूँ। तो ये सेंटेंस किसने किससे कहा था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द विंड सेड टू द सन, ठीक है। द सेकेंड सेंटेंस इज आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, सेकेंड सेंटेंस है कि मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा। तो ये कहा था द सन सेड टू द विंड, तो इसका आंसर होगा द सन सेड टू द विंड, यानी सूरज ने हवा से कहा था। फिर थर्ड सेंटेंस है हाउ कोल्ड इट इज, कि थर्ड सेंटेंस है कि आज कितनी ठंडी है। तो ये सेंटेंस किसने किससे कहा था, द मैन सेड टू हिमसेल्फ, तो ये सेंटेंस उस आदमी ने अपने आप से कहा था कि आज कितनी ठंडी है, ठीक है। द फोर्थ सेंटेंस इज आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, फोर्थ सेंटेंस कह रहा है कि मैं अब गिव अप करता हूँ, मतलब कि मैं अब हार मानता हूँ, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं अब उसका कोट नहीं उतरवा सकता हूँ। तो ये सेंटेंस किससे कहा था, द आंसर इज द विंड सेड टू द सन। ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि हवा ने सूरज से कहा था। फिफ्थ सेंटेंस इज आई हैव वॉन, मैं जीत गया, तो इसका ये किसने किससे कहा था, द सन सेड टू द विंड, इसका आंसर होगा कि सूरज ने हवा से कहा था। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपके पेज नंबर 48 पे, ठीक है, उसका मैंने आपको उस तरह से आंसर बताया। अब हम इसके नीचे आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स थिंक, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर, अब ये यहाँ पे दो बच्चे आप देख रहे हैं, एक का नाम रोहन है और एक का नाम गीता है। तो रोहन जो है गीता से उसकी नई बुक छीन रहा है, ठीक है। स्नैच का मतलब होता है छीनना, अलग करना। व्हाट डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, आपको क्या लगता है कि बेस्ट थिंग इनमें से क्या हो सकता है करने के लिए। चूज एन आंसर, आपको इसमें से एक आंसर चूज करना है, ठीक है। तो पहला आंसर आपको ऑप्शन दिया है गीता रन्स अवे विथ हर बुक, क्या हो सकता है अगर गीता अपना बुक लेकर भाग जाएगी, क्या ये सही है, क्योंकि रोहन तो उसका बुक छीन रहा है, ठीक है। तो सेकंड हम देखते हैं गीता फाइट्स विथ रोहन, या फिर गीता रोहन से लड़ाई करेगी, उससे फाइट करेगी। थर्ड है गीता टॉक्स टू रोहन, गीता रोहन से बात करेगी कि उसको ये बुक क्यों चाहिए, उससे पूछेगी। एंड द फोर्थ लास्ट इज गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता एक कोने में चले जाएगी और रोने लगेगी कि रोहन उससे अब उसका बुक छीन रहा है, ठीक है। एंड शेयर व्हाई यू फील सो, आपको इसमें से एक आंसर चूज करना है और आपको ये बताना भी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए थर्ड नंबर का, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए, उससे पूछनी चाहिए कि तुम्हें मेरी बुक क्यों चाहिए, और इस तरह से इसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है। उसे ना तो अपनी बुक लेकर भागना चाहिए, ना ही रोहन से लड़ाई करनी चाहिए, और ना ही कॉर्नर में जाके कोने में जाकर रोना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से हमने आज पेज नंबर 48 देखा और न्यू वर्ड्स को देखा। तो होमवर्क में आप लोग ये न्यू वर्ड्स लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, और रीडिंग इज़ फन का ये सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। और आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।